ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद शनिवार को केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है। इसे लेकर रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक उत्साह दिखा है। यात्रा के पहले दिन सोनप्रयाग से दोपहर 12 बजे तक 352 तीर्थयात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए। इसके अलावा 14 स्थानीय लोग भी केदारनाथ को रवाना हुए। यात्रा पड़ाव पर तीर्थयात्रियों की चहलकदमी वीरान बाजारों में रौनक लौट आई है। यात्रा शुरू होने से घोड़ा खच्चर, मजदूर वाहन चालक, ढाबा, होटल, लॉज व्यापारियों में खुशी देखी जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देवस्थान बोर्ड ने गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में सभी यात्रियों को सभा मंडप से ही बाबा के दर्शन कर लौटना पड़ रहा है। बता दें कि लंबे समय से श्रद्धालु यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। शनिवार को चार धामों में यात्रा शुरू की गई है। अब देश के विभिन्न कोनों से श्रद्धालु धामों में आकर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध केदारनाथ धाम, द्वितीय केदार मद महेश्वर, तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का मंदिर है, जहां ग्रीष्मकाल की यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन 2 साल से कोरोना महामारी के चलते यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में केदार घाटी, तुंगनाथ व मद महेश्वर घाटी के लोगों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। केदार घाटी के 80% लोगों की रोजी रोटी चार धाम यात्रा पर ही टिकी हुई है। 6 माह यात्रा में काम करने के बाद यहाँ के लोग साल भर का गुजारा करते हैं। यात्रा खुलने से वाहन चालक, डंडी कंडी, घोड़ा खच्चर, ढाबा, होटल व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। उन्हें उम्मीद है कि 1.5 महीने की यात्रा से उन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा, वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। यात्रा को लेकर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित अंकुर शुक्ला कहते हैं कि सरकार की ओर से शनिवार से चार धाम यात्रा को खोल दिया गया है। प्रशासन को धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं देनी होंगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्री स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें, साथ ही कोविड नियमों का भी पालन करें। जय श्री केदार। समस्त देशवासियों को चार धाम यात्रा खुलने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा केदारनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें, और आप सभी देशवासियों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में बाबा केदारनाथ जी के दर्शनों के लिए पधारें। इन चंद लम्हों में 4 महीने से केदारनाथ जी की यात्रा पे रोक लगाई गई थी कोविड के चलते हुए, अब यात्रा आज से प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी देशवासी आ सकते हैं यात्रा पे, और केदारनाथ धाम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। और आप खासकर जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पधारते हैं, आप स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता का, हमारी प्रकृति का, आप नियमों का पालन करें। कोविड काल में जो भी सरकार की ओर से गाइडलाइनें हैं, इनका पालन करते हुए आप यात्रा करें। जय बाबा केदार। यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल बताते हैं कि चार धाम यात्रा को खोल दिया गया है, और जिले में संचालित केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं की हर संभव सहायता की जाएगी। पुलिस की तरफ से यात्रा खुलने की दिशा में पूरी रूप से तैयारी कर ली गई है। फोर्स हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ कहाँ कितना फोर्स लगाना है और क्या क्या ड्यूटीज लगानी है, वो सारी पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से हो रही है। सोनप्रयाग में उत्तराखंड के साथ ही अन्य प्रदेशों के लिए कोरोना जांच के लिए अलग काउंटर बनेगा, जबकि संवेदनशील राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए अलग काउंटर बनेगा। महाराष्ट्र और केरल, आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उनके लिए सोनप्रयाग में अलग काउंटर पर जांच सुविधा उपलब्ध की गई है। केदारनाथ धाम में करीब 2000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था बनाई गई है, पर कोविड के चलते यहां एक दिन में 800 यात्री ही दर्शनों के लिए भेजे जाएंगे। यदि ये सभी यात्री केदारनाथ में रुकना चाहें तो उन्हें रात्रि प्रवास की पर्याप्त व्यवस्था मिलेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि यात्रा खोल दी गई है, और हम आप सबका स्वागत करने के लिए पहले से ही केदारनाथ में मौजूद हैं। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की टीम ने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बड़ी मजबूत तरीके से यहां पर उनका गठन कर दिया है, और जो भी यात्री यहां पर दर्शन के लिए आएगा, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अच्छी तैयारी करके आएं, अपने अच्छे कपड़े लेकर के आएं, क्योंकि यहां पर कभी भी किसी भी वक्त मौसम बदल जाता है, बारिश हो जाती है, और अपना ध्यान रखिए। और जब भी आप यात्रा करें तो खाली पेट यात्रा ना करें, अपना भोजन करके आप यात्रा करें,
और आप अपने साथ में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ नेटवर्क बढ़िया काम कर रहा है जियो का और एयरटेल का। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री केदार।